नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की बॉलीवुड गपशप विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की बॉलीवुड की खास पांच खबरों की तरफ। बॉलीवुड हर त्योहार को धूमधाम से मनाता है। पिछले कुछ दिनों में कई सेलेब ने दिवाली की शानदार पार्टियां होस्ट की है। मनीष मल्होत्रा और रमेश तौरानी ने ग्रैंड दिवाली पार्टी होस्ट की। अब टेलीविजन क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर ने भी इस त्योहार को रौनक में पार्टी होस्ट की गई, जहां बॉलीवुड सितारों के साथ साथ टीवी जगत के भी हस्तियां मौजूद थे। विश्वत्मा फिल्म का सुपरहिट गाना सात समुंदर पार सिर्फ 90 के दशक का ही नहीं बल्कि आज के जमाने में भी खूब पसंद किया जाता है। शादी फंक्शंस हो या फिर पार्टी, बिना इस गाने के महफिल नहीं जमती है। मगर क्या आप जानते हैं इस गाने के हिट ट्रैक का कनेक्शन सीधा हॉलीवुड से है। सोशल मीडिया पर इसके 37 साल पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपने OTT पर मिर्जापुर के 3 सीजन्स का तो फुल आनंद लिया है, लेकिन अब बड़े पर्दे पर गड़े के लिए आनंद देख सकते हैं। 3 सक्सेसफुल सीजन के बाद अब मेकर्स मिर्जापुर द फिल्म को सिनेमा घरों में उतारने के लिए तैयार है। दिवाली से पहले मेकर्स ने एक धमाकेदार वीडियो के साथ इसका ऐलान कर दिया है। शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता अपनी सासू माँ सविता शिबिर के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान हाल ही में दुबई गए हुए हैं, जहां उनके बेटे के ब्रांड डियोवोल को लेकर एक पार्टी होस्ट की गई थी। इस पार्टी में गौरी खन्ना शामिल नहीं थी। अन्य सेलिब्रिटी की तरह काजोल भी अफवाहों का शिकार हुई है। एक बार तो उनकी मां को एक्ट्रेस के प्लेन क्रैश की खबर मिली थी। दो पति स्टार द ग्रेट इंडिया कपल शो में कृति सनोन और शाहिर शेख के साथ पहुंची, जहां उन्होंने खुद से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली अफवाहों का जिक्र किया है। बॉलीवुड खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।